लोगों को फ्री वैक्सीन देने का काम, मेडिकल कॉलेज, एम्स, एयरपोर्ट बनाने का काम, राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण का काम, ये सब तो चलता रहा। इसका साथ साथ हमारी कल्चर, हमारी रिलीजन, हमारी हेरिटेज जिसको खत्म कर दिया अफजल खान ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। हमारी एक कहावत है, बाबर होलो आबार जोर सरलो औषधे। बाबर आया खत्म कर दिया, अकबर आया खत्म कर दिया, शाहजहां आया खत्म कर दिया, औरंगजेब आया खत्म कर दिया, सब खत्म कर दिया। हमारे जितना भी सोमनाथ मंदिर से लेकर जितना भी आस्था की केंद्र है हिंदू का, सनातन का, सब खत्म कर दिया। सबको नया स्वरूप देने का काम कर रहा है हमारी प्रधानमंत्री। ये बंगाल में ये हुआ, ये नहीं हुआ, 500 रुपया मिला और भी कुछ मिलेगा, ये सब तो चलता रहेगा। लेकिन हमारी हिंदू का जो असली और धर्म ग्रंथ है जिसको हम सब लोग पढ़ता है, मानता है, उसमें एक लाइन है संस्कृत में, धर्म रक्षति रक्षितो। ये धर्म को रक्षा करने का काम आप प्रायोरिटी में एक नंबर पर लाइए। जैसे योगी आदित्यनाथ जी, गोरखपुर महाराष्ट्र के महाराज जी ने यूपी का हालत बदल कर दिया। आप देख लिया, पहले इलाहाबाद का नाम था, आज प्रयागराज का नाम आया। हमारी संस्कृति का, कल्चर का आगे ले जाने का काम योगी जी ने कर रहा है। और बंगाल में क्या हो रहा है, जय श्री राम गाली। बंगाल की मुखिया, चीफ मिनिस्टर, क्या बोली थी, जय श्री राम क्या है, गाली है। उनकी पार्टी के एक एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नाम मोहुआ जी बोइत्रा, तो महाकाली गांजा खाए, सिगरेट खाए, मौत खाए, ये क्या गाली है। ये महादेव के शिवलिंगों को जिन्होंने अपमान किया, उनको तो आप साउथ आसनसोल में अच्छा सबक सिखा के घर वापस भेज दिया। जब शिवलिंगों को ऊपर सोशल मीडिया में आप शब्द किया, हमारे शिवलिंगों को अपमान किया, आपने टाटा बाई बाई कर दिया आम जनता ने। लेकिन ममता जी उसकी रिहेबिलिटेशन कर दी, पॉलिटिकली युवा नेत्री बना दिया। जितना गाली हिंदू लोग को देगा, हिंदू को त्योहार को देगा, बंगाल की सरकार उसको इनाम देगी। ये तुष्टिकरण की राजनीति, ये परिवारवाद की राजनीति को खत्म करने के लिए ये माँ, माताजी, बहन को, ये दीदी सबको आगे आना चाहिए। और जय भवानी जय शिवाजी की नारा का साथ बंगाल में भगुआ रंग से रंगाना चाहिए। और यहाँ भी राष्ट्रवाद को आपको प्रतिष्ठा करना चाहिए, यहाँ भी डबल इंजन सरकार बनाना चाहिए। जो सरकार गुजरात में क्लासों में गीता को पढ़ा रहा है, कर्नाटक में शुरू हो गया 5 दिसंबर से, असम में हेमंत विश्व शर्मा जी कर रहा है, जो घुसपैठिया है उसको निकाल रहा है, जो घुसपैठिया आकर हमारी देश की सुरक्षा को, देश की विकास प्रगति को खत्म कर रहा है, उसको असम का मुख्यमंत्री पूरा साफ कर रहा है। ये काम भी बंगाल में होना चाहिए। इसलिए शिव चर्चा, आपने जो धर्मीय कार्यक्रम और भी आगे ले जाए, और जो सेवा का काम हो रहा है, इतना बढ़िया काम, इसको मैं प्रशंसा करता हूं। जो हमारी मोदी जी कोरोना काल में हम लोग को सिखाया,
ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी आगे आना चाहिए और देश प्रेम का साथ साथ राष्ट्रवाद का साथ साथ सेवा का काम भी बहुत जोर से करना चाहिए। बंगाल में इसका बहुत ही जरूरत है। मैं आशा वो बहन है, दूसरा जो हमारी महिला मोर्चा का कार्यकर्ता है, हमारी विद्यार्थी लोग है, युवा मोर्चा का कार्यकर्ता है, एससी मोर्चा का कार्यकर्ता है, बीएमएस का साथ जुड़ा हुआ श्रमिक मजदूर है, हमारी बीएचपी हिंदू जागरण मंच, हमारी विचार परिवार का साथ जितना भी आदमी है जो रामनवमी का दिन आखड़ा और जुलूस निकलता है, जय श्री राम की गूंज पूरा आसानसोल में जो लोग करता है, सबको मैं कोटि कोटि वंदन और नमन करता हूँ।